हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। गाइस, आज मैं आपको बारसूर का गणेश मंदिर दिखाने वाला हूँ। गाइस, बारसूर पहुँचने के लिए आपको जगदलपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करके और दंतेवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच सकते हो। यहाँ पर पहुँचने के लिए चार पहिया वाहन या बाइक से पहुँचा जा सकता है। गाइस, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, सीसी रोड बना हुआ है मंदिर तक जाने के लिए। गाइस, कहा जाता है यहाँ पर 147 मंदिर और 147 तालाब थे, पुरातात्विक विभाग के अनुसार बताए जाते हैं। उनमें से सभी लगभग 4 से 5 मंदिर अभी बचे हुए हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था 32 मंदिर। अभी गणेश मंदिर की बात करते हैं। गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ पर दुकान लगी हुई छोटी सी, ये आप देख सकते हो मॉडल लॉट बाजार बारसूर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाइस, अपने पास अभी टाइम नहीं है, इसकी वजह से अपन सीधा आपको मंदिर की ओर लेके जाते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मॉडल आर्ट बाजार का निर्माण किया गया है। गाइस, ये आप देख सकते हो अभी अपन पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। ये देखिए, इधर सीधा जाने से बाहुबली वाटरफॉल आंधावाड़ा की ओर जाता है। गाइस, ये लेफ्ट साइड से होते हुए अपन गणेश मंदिर की ओर जाएंगे। आप देख सकते हो सामने में गणेश मंदिर है। गाइस, कहा जाता है कि बाणासुर की नगरी थी बारसूर। हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस, आज हम आ चुके हैं गणेश जी के मंदिर में, अर्थात बारसूर, बाणासुर की नगरी बारसूर में। गाइस, 7 फीट ऊंचा गणेश की मूर्ति आपको दिखाते हैं। गाइस, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है यहाँ पर गणेश जी विराजमान है, तो आपको अंदर चल के दिखाते हैं, तो आइए अंदर की ओर। गाइस, ये आप देख सकते हो अपन अभी अंदर की ओर जा रहे हैं। ये भाई लोग अभी यहाँ पर गणेश जी का दर्शन करने आए हुए थे, तो अभी जा रहे हैं। आज थोड़ा काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनी टाइम लोग आते रहते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। गाइस, ये आप देख सकते हो कि मंदिर के अंदर का गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और मंदिर के अंदर का अभी आपको गणेश जी का विशालकाय मूर्ति का दर्शन कराते हैं। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही साफ सफाई से इस मंदिर को रखा जाता है। गाइस, देख सकते हो इधर सामने में पूरा पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। सभी गणेश मंदिर के अवशेष हैं जो अभी बिखरा हुआ है। ये आप देख सकते हो सामने गणेश जी का मंदिर और गणेश का मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। गाइस, बहुत ही विशाल का है। कहा जाता है कि बाणासुर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था लगभग 5000 साल पहले। बाणासुर की बेटी के कहने पर भगवान गणेश का मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। ये दक्षिण मुखी युगल गणेश की दो जुड़वा मूर्तियाँ हैं। पौराणिक मान्यता है कि बाणासुर की बेटी उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा के लिए मूर्तियाँ बनाई गई थी। बड़ी गणेश प्रतिमा लगभग 7.5 फीट ऊँचा और 5 फीट चौड़ा मूर्ति है, जिसे बाणासुर के पुत्र के द्वारा पूजा किया जाता था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना की गई थी। गाइस, ये आप देखिए यहाँ पर विशालकाय मंदिर पहले निर्माण किया गया था, जो कि वर्तमान में धराशायी हो चुका है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। कहा जाता है कि ऊषा और चित्रलेखा की साधना से गणेश जी प्रसन्न हुए थे, तब से यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार सा दिखता है मंदिर। और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है गणेश जी, यहाँ पर देख सकते हो। इधर भाई साहब साफ कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर साफ सफाई यहाँ पर इस मंदिर को बनाए रखते हैं। और मस्त लगा यहाँ पर साफ सफाई देख के, और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त इस गणेश प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। गणेश मंदिर के अलावा यहाँ पर मामा बाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और विक्रमादित्य मंदिर यहाँ पर मौजूद है। गाइस, यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये सातधारा वाटरफॉल है। यहाँ पर इस क्षेत्र में आने से आपको बहुत सारे यहाँ पर पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो गणेश जी की प्रतिमा, और ये पूरा पत्थर काट कर ही बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर देख सकते हो अभी पूजा करके चले गए हैं भाई लोग। यहाँ पर चारों ओर गेट लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हो जो पहले मंदिर यहाँ पर बना हुआ था होगा, अभी पत्थर की निशानी दिख रहा है, जो कि अभी धराशायी हुआ है। गाइस, देख सकते हो यहाँ पर
किस प्रकार से पत्थरों को जोड़कर यहाँ पर मंदिर बनाया गया था, और बड़े बड़े पत्थर ऐसा लग रहा है यहाँ पर ईंट को काट के बनाया गया है, देख सकते हो उसकी निशानी आज भी मौजूद है। गाइस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।